हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोहर झा विथ यू। दिस इज़ मी मनोहर झा। हमने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाया था, आपको बताए थे जो दरभंगा का सबसे अच्छा स्टोर कौन सा है, तो उसी स्टोर से हमने आपको श्री कमल मोबाइल एंड मोड से आपको S21+5G वाला फ़ोन परचेज किया है आपको बजाज फिनसर्व के थ्रू। तो हम आज की इस वीडियो में आपको ये बताएंगे, अगर आप बजाज फिनसर्व से फ़ोन परचेज करते हैं तो बजाज के थ्रू आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे। और यहाँ पर जो बजाज से फाइनेंस करते हैं उनसे आपको बात करके बताएंगे जो क्या प्रोसेस है, कौन से एज वाले को आपको ये फाइनेंस मिलेगा और क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, इंश्योरेंस कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको, इंश्योरेंस का क्या बेनिफिट है और कितना प्राइस के साथ आपको दिया जाएगा, हर मॉडल के अकॉर्डिंग होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम आपको बजाज फिनसर्व के जो लड़के हैं आपको उनसे बात कराते हैं। तो जैसे हमने आपको वीडियो में बताया था जो बजाज से जो फाइनेंस करते हैं, तो ये बजाज से आपको ये सर, तो बताइए सर, जैसे कोई न्यू कस्टमर अगर फोन लेने के लिए आता है बजाज से, तो बजाज का क्या प्रोसेस है और क्या बेनिफिट मिलता है वो बताइए सर। सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अवनी शर्मा, मैं आपको हेल्प करूंगा बजाज से प्रोडक्ट परचेस करने में। क्या इसका बेनिफिट है बजाज का, क्या ऑफर्स होता है, आप क्यों बजाज से प्रेफर करें, क्यों आप कैश में नहीं लें, आप क्यों क्रेडिट कार्ड से परचेस करें, तो ये सारे जो लोगों के मन में डाउट होता है कि बजाज से क्यों परचेस करें, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं मोड ऑफ पेमेंट में, तो बजाज ही क्यों। तो सबसे पहले बजाज ही एक ऐसी कंपनी है जो कस्टमर को अपने 0% इंटरेस्ट से फाइनेंस करती है। यहाँ पे जो भी हमारे कस्टमर होते हैं उनको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक मिनिमम फाइल प्रोसेसिंग चार्ज होता है, वो प्रोसेसिंग चार्ज पे करना होता है कस्टमर को, बाकी जितने का फ़ोन होता है वो उतने में परचेस करते हैं, कोई इंटरेस्ट इनको कस्टमर को यहाँ पे परचेस नहीं करना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड चीज़, कस्टमर को हम मिनिमम डाउन पेमेंट पे देते हैं। जो हमारे कस्टमर्स होते हैं जो आज के डेट में 20,000 का फ़ोन लेना है, हो सकता है उन जब काउंटर पे इंटर किए उनको 30,000 का फ़ोन पसंद आ गया हो, बट वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वैसे कस्टमर को हम हेल्प करते हैं प्रोडक्ट को परचेस करने में 30,000 का। क्योंकि आज के डेट में मोबाइल ऐसी चीज़ है जो सबका बेसिक नेसेसिटी है, आज के डेट में सारे लोग फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं और हर लोग चाहते हैं कि मेरे को कम पैसे में अच्छा फ़ोन मिले, तो वो कम पैसे में अच्छा फ़ोन के लिए बजाज उनका साथी है, हर सुख दुख में उनका बजाज साथी है। मैं बताऊंगा, अगर कोई कस्टमर कैश में लेने आता है तो बजाज क्यों प्रेफर करे, तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट होता है वो होता है ASP। आप ASP मतलब कस्टमर 20,000 का फ़ोन परचेस करने में हम उसको 5,000 डाउन पेमेंट पे 20,000 का फ़ोन प्रोडक्ट फाइनेंस करके देते हैं, जिसके थ्रू कस्टमर को हम एक सिबिल जनरेशन होता है, एक जैसा कि छोटा, सबसे छोटा लोन जितना छोटा लोन होता है उतना अच्छा सिबिल जनरेट होता है लोगों का। तो आप अगर 1200 रुपये का EMI वन चला रहे हैं या 1300 का EMI चला रहे हैं तो वहाँ पर आप बहुत जल्दी सिबिल आकर इम्पैक्ट करेगा, और जितना जल्दी आपका सिबिल इम्पैक्ट करेगा कल को डेट में आप उतना बड़ा लोन ले सकते हैं। तो बजाज एक स्टार्टिंग फेज़ होता है लोगों के लिए, वहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं। इसमें मिनिमम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम जैसे प्रोसेस किसी कस्टमर करना होता है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, कस्टमर का पासबुक या कैंसिल चेक लेते हैं, ठीक है। इसमें कस्टमर कोई भी पेपर प्रिंट आउट नहीं होता, हमारा सारा कुछ हमारा डिजिटली है, कस्टमर को बस एक सिंपली 2 OTP देना होता है। अगर कस्टमर डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड के थ्रू हम उसको इम्मेंडेट करते हैं, जिससे कस्टमर का बैंक रजिस्टर ऑनलाइन एट अ टाइम हो जाता है, और प्रोडक्ट फाइनेंस करने के बाद 45 डेज के बाद कस्टमर का EMI स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ ही साथ बजाज का एक EMI कार्ड कस्टमर को बना के, जिसको हम लोग बजाज का मेंबरशिप कार्ड बोलते हैं, जिसका चार्ज है 567 रुपीज़ है। इस कार्ड से बेनिफिट क्या है कि अगर कस्टमर नेक्स्ट टाइम परचेस करने चाहते हैं तो 0% डाउन पेमेंट फाइनेंस कर सकते हैं। इनका कहना ये है, अगर आप स्टोर पे आके फ़ोन परचेज करिएगा तो कैश से या डेबिट कार्ड से आप जो EMI बेसिस पे लेते हैं तो कैश से ज़्यादा बेटर ऑप्शन आपके पास है बजाज फिनसर्व, इसलिए क्योंकि आपको एक तो 10,000 वाले फ़ोन पे आपको फाइनेंस कर दीजिए आपको बजाज, आपको बड़ा चीज़ परचेज करना नहीं है, और फाइनेंस होने के साथ आपको EMI बेसिस पे जो अमाउंट था वो आपको देना है और आपको एक कार्ड बन जाएगा आपको EMI कार्ड। उसके बाद आप जैसे 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 आप EMI को पेड करिएगा आपका सिविल भी और आपका लोन अमाउंट का जो लिमिट है वो भी बढ़ेगा और उससे बड़ा फ़ोन आप परचेज कर सकते हैं। तो सर ये बताइए, जैसे बजाज फिनसर्व से फ़ोन लेने के बाद अगर कोई कस्टमर ये बोलता है, जैसे हम क्रेडिट कार्ड से भी तो ले सकते हैं फोन, जी जी बिल्कुल, जैसे क्रेडिट कार्ड से हम स्वाइप करके अपने अकॉर्डिंग मंथ में EMI बेसिस पे परचेज कर लेंगे, जी बिल्कुल, तो क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा बजाज से? बिल्कुल मिलेगा सर, हमारे पास दिन में ऐसे 4-5 कस्टमर पास काउंटर पे आते हैं जो बोलते हैं मैं बजाज से नहीं लूंगा, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दो। तो उन कस्टमर से मैं बताता हूँ कि आप अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आप पॉस पे उसको स्वैप करते हैं, एक तो प्रोसेसिंग चार्ज लगता है 2.7% का जो कस्टमर को बियर करना होता है, डीलर नहीं देता है। उसके बाद जब भी आप EMI करते हैं उसको तो उसका आपको बैंक को कॉल करना पड़ता है और उस पर बैंक एक सर्टेन परसेंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है।
जो कि आपको इंटरेस्ट के साथ मिलता है। बजाज में आपको कस्टमर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, आपको जीरो, मैं पहले बता चुका हूँ कि हम 0% इंटरेस्ट फाइनेंस करते हैं। सेकेंड चीज़ क्या होता है, कस्टमर को वहाँ पे आपका लिमिट जो होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं आप, तो उसका लिमिट जो भी आप स्वैप किए हैं वो लिमिट उसका ब्लॉक हो गया उतने दिन तक जब तक उसका ईएमआई खत्म ना हो। हमारे साथ ऐसा कोई लिमिट ब्लॉक नहीं होगा। अगर वो कस्टमर हमारे पास क्रेडिट कार्ड देता है तो हम उनका सिर्फ क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे हमारे सिस्टम में लॉगिन करते हैं, उसके उनके क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे हमारे पास अप्रूवल आएगा और उनके क्रेडिट कार्ड से हमें मुझे और कुछ नहीं लेना है। वो क्रेडिट कार्ड उनका 2 लाख का लिमिट है और मैं उन्होंने 50,000 का फ़ोन परचेस किया है बजाज के थ्रू क्रेडिट कार्ड के साथ, तो उनका 2 लाख का लिमिट कहीं नहीं जाएगा, वो 2 लाख का लिमिट रहेगा और बजाज से भी उनका कार्ड बन जाएगा और बजाज से भी उनका आपका अमाउंट जो है स्टार्ट हो जाएगा, ईएमआई स्टार्ट हो जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो क्रेडिट कार्ड में आपको टर्म जो मिलता है, ईएमआई मिलता है, वो 6 महीने का, 9 महीने का, मैक्सिमम होता है तो 12 महीने का। बट अगर बजाज से लेते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्कीम चलता है जिसमें 27,4 का स्कीम आता है, मतलब 27 महीने में कस्टमर ईएमआई पे कर सकता है, 21 महीने में पे कर सकता है, 18 महीने में पे कर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि अमाउंट जो होता है ईएमआई का वो कस्टमर का कम हो जाता है। अब अमाउंट कम होता है ईएमआई का तो कस्टमर उसको इजिली पे कर सकते हैं, कस्टमर पे भार नहीं पड़ता है। आप जब भी जाओगे ईएमआई के लिए तो ईएमआई का मतलब होता है कि बर्डन नहीं, बर्डन फ्री, तो आपका बजाज बर्डन फ्री दोस्त है। जैसे मान लीजिए आप बोले 27 महीना का, अगर 27 महीना का अगर ईएमआई करवाएगा बजाज की तरफ से जी, तो कुछ इंटरेस्ट भी लिए जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल हमारा 0% इंटरेस्ट पे, मैं पहले बता सर, हमारे तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। फर्स्ट टाइम जब कस्टमर परचेस करता है, जब भी वो लोन लेते हैं तो 399 का प्रोसेसिंग चार्ज होता है, वो बियर करना होता है कस्टमर को। उसके बाद और हम फोन परचेज करेंगे तो फिर प्रोसेसिंग चार्ज जी होता क्या है कि हमारे पास कुछ ऑफर्स आते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, एमआई, वन प्लस, ये सारे ब्रांड अपना ऑफर चलाते हैं, वो हमें एक स्कीम देते हैं। उस स्कीम में बहुत सारे मॉडल ऐसे होते हैं जिन पे कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं होता है। आप देखोगे अभी ओप्पो का एक मॉडल होता है A54 हो गया, या Reno 6 देखोगे, तो यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगा जा रहा है। तो ये प्रोसेसिंग फीस नहीं लगता है, कभी कभी लगता है, कभी कभी नहीं लगता है, तो ये मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है। और एक चीज बताइए, जैसे कभी कभी फोन जैसे एक्सक्लूसिव होता है आपको, वहां पे जैसे ये बोला जाता है HDFC से 3,000 का डिस्काउंट, जी जी, तो ऐसा कोई स्कीम आपको बजाज के थ्रू आता है किसी फोन पे? जी बिल्कुल, अभी आप जैसा देख रहे हो कि आने वाला टाइम 15 अगस्त का है, तो 15 अगस्त में कंपनी ने हमारे 5,000 तक का कैशबैक दे रही है हमारे सारे कस्टमर के लिए। ये वो कस्टमर होते हैं जो हमारे बजाज से, चाहे तो न्यू कस्टमर ऐड जो हो रहे हैं वो, या फिर जो हमारे कस्टमर बजाज से ऑलरेडी कस्टमर है, ये दोनों कस्टमर को 5,000 तक का कंपनी कैशबैक दे रही है। इसके साथ साथ भी सैमसंग के A12 पे हमारे 1,000 का कैशबैक चल रहा है। कोई भी कस्टमर सैमसंग का A12 प्रोडक्ट परचेस करता है तो हम उसको 3 महीने बाद उनके अकाउंट में 1,000 का कैशबैक रिडीम कर रहे हैं। सेकेंड चीज़, इसके साथ वीवो का मॉडल चल रहा है, वीवो के बहुत सारे मॉडल V21, V21e, इसमें भी 10% तक का कैशबैक स्कीम का चल रहा है क्रेडिट कार्ड के साथ। तो हम टाइम टू टाइम ये ऑफर लाते रहते हैं। ये जैसे आप बताए 5,000 का कैशबैक, जी जी, एक प्राइस होगा ना सर, जो इतने प्राइस में आपको इतना डिस्काउंट? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, इसमें एक ग्रिड बनाया गया है। ग्रिड में क्या है सर, अगर कोई कस्टमर 15,000 का फोन लेता है, 15,000 से 20,000 के फोन पे उसको 1,000 का कैशबैक मिलेगा। अभी 1,000 जो कैशबैक है, 50% जो कैशबैक अमाउंट होगा वो कस्टमर का बजाज का जो वॉलेट हम देते हैं वो वॉलेट में 50% ऐड होगा, 25% जो अमाउंट होता है उसका रिमेनिंग वो DTA रिचार्ज के लिए मिलेगा, और 25% जो होगा वो उनको मोबाइल रिचार्ज के लिए मिलेगा। सिमिलरली अगर वो 20,000 से 30,000 का फ़ोन लेते हैं तो 2,000 रुपये मिलेगा, 30,000 से 40,000 पे 3,000 मिलेगा, 40 से 50 पे 4,000 का, और 50 से ऊपर लेते हैं तो 5,000 रुपये का मिलेगा कैशबैक। ठीक है सर, जैसे आप बताएं जो ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है जो क्रेडिट कार्ड में आपको ये चीज़ें नहीं मिलती है, और क्रेडिट कार्ड से लेने पे आपको 6 मंथ या एक कैपिंग रहती है जो 9 मंथ से ज़्यादा आप करिएगा तो आपको इंटरेस्ट लग जाएगा 14% या 13%, तो ये चीज़ें आपको बजाज के साथ नहीं होता है। अगर फ़ोन को ज़्यादा टाइम तक यूज करेंगे तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट बजाज देती है आपको, जैसे मान लीजिए गिर गया, टूट गया, तो जैसे तो इसके लिए तो आपको वारंटी कवर में तो ये चीज़ें नहीं आएगी, तो बजाज इसके लिए कुछ देती है आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट? जी सर, इसके लिए हम कस्टमर को, अपने जो भी कस्टमर फाइनेंस करते हैं उनको एट ए टाइम पिच करते हैं, फ़ोन प्रोटेक्शन प्लान होता है हमारा। ये भी प्राइस ग्रिड पर डिपेंड करता है, जितना कॉस्टली फ़ोन होता है उतना उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम अमाउंट्स होता है। सपोज डेट मैंने कस्टमर को 18,000 का फ़ोन दिया, उस 18,000 कस्टमर को 1924 का प्रीमियम होता है हमारे फ़ोन का। इस फोन का जो भी अमाउंट होता है एट ए टाइम कस्टमर से हम नहीं लेते हैं, उनको भी जो ईएमआई रिमेनिंग अमाउंट जो बनती है ईएमआई, वो ईएमआई में मंथ में डिवाइड कर देते हैं, वो उनको ईएमआई में कटता है। सबसे पहले जो बेनिफिट होता है STPP का, हमारा जो इंश्योरेंस करते हैं उसमें कस्टमर फोन अगर टूट गया तो, या डिस्प्ले टूट गया, या पूरा का पूरा टोटल डैमेज हो गया, या पानी में गिर गया, तो बहुत ये सब चीज़ें जो हैं वो सर्विस सेंटर कवर अप नहीं करती है वारंटी में, या कोई भी कंपनी वारंटी में कवर नहीं करती है, बजाज इनको बनाकर देती है कस्टमर को। अगर फ़ोन बनने लायक हो तो बजाज उनको बनाने का जो कॉस्ट आती है वो बजाज बियर करती है, बजाज उनको कॉस्ट देती है।
कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बनने लायक नहीं है, जो पूरी तरह डेड हो गए हैं, उनको का सर्विस सेंटर बना के दे ही नहीं सकता है, या देता भी है तो जितने का फ़ोन है उसका ज़्यादा पैसा उनसे लगता है। तो वैसे सिचुएशन में कस्टमर्स अपना फ़ोन वापस ले लेते हैं और एक अमाउंट होता है डिप्रिसिएशन अमाउंट लगाकर उन कस्टमर को उनका पैसा अकाउंट में रिफंड करते हैं। इसके साथ साथ हम उनको एक साल का एंटीवायरस देते हैं फ़ोन में, जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो एंटीवायरस होता है। प्लस अभी आप OTT प्लेटफॉर्म जानते होंगे G5+, तो G5 और गाना प्लस का एक साल का सब्सक्रिप्शन भी देते हैं कस्टमर को अपने साथ साथ। तो ये चीज़ें आपको बेनिफिट मिलता है, आपको जो OTT प्लेटफॉर्म है जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह, तो उस पर भी आपको 1 ईयर का आपको मिलता है, आप सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। और कवरेज किया जाता है, जैसे आपका फोन पूरा टूट जाएगा तो आपको ये प्रोसेस में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता? नहीं सर, इसके लिए हमारे ऑफिस में डेडिकेटेड बंदे बैठे हुए हैं, आपको सिर्फ जाना है फर्स्ट टाइम आप बिल लेके जाइएगा, जो भी आप परचेस किए वो परचेस बिल लेके जाइएगा। बिल ले जाने के साथ अब वहाँ पे क्लेम लॉग होगा आपका, क्लेम लॉग इन होने के बाद आपको सिर्फ सर्विस सेंटर जाना है और वहाँ से कोटेशन बनाकर लड़के को दिखाना है। अगर कोटेशन आपका 75% इनवॉइस वाले को 75% से नीचे रहेगा तो फिर आपको फ़ोन बनने के दे देना है। फ़ोन बन जाएगा तो कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स होता है 2-3, जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, कैंसिल चेक हो गया, ये डॉक्यूमेंट लेके हमें सबमिट कर देना होता है। अगर आपका फ़ोन बनने लायक नहीं है, सर्विस ने 75% ऊपर का कोटेशन बना के दिया, तो आप फ़ोन मुझे दे दीजिए, डब्बा, हेडफोन, चार्जर, पैन कार्ड अपना दे दीजिए और एक कैंसिल चेक दे दीजिए, मैं सारा कुछ कोरियर करता हूँ और 28 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और ये बताइए सर, बजाज फाइनेंस से फ़ोन लेने के लिए तो कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत भी होती होगी? जी सर, फाइनेंस कंपनी है, हर फाइनेंस कंपनी को कुछ ना कुछ लोन प्रोसेस के डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, बट हमारे पास क्या है कि हमारे पास मिनिमम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं सर। मिनिमम डॉक्यूमेंट हम जैसे कस्टमर आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक कैंसिल चेक या पासबुक, दोनों में से कोई चीज, बस 3 डॉक्यूमेंट हमें चाहिए एक लोन प्रोसेस करने के लिए। एज का लिमिटेशन सर? जी सर, हमारे पास अगर कस्टमर प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो हमारे 2 कैटेगरीज होते हैं, एक होते हैं CD प्रोडक्ट्स और एक होते डिजिटल प्रोडक्ट। अगर हम जैसे आप श्री कमल का बात करें तो श्री कमल आप मोबाइल भी बेचते हैं, यहाँ पे हम TV भी फाइनेंस करते हैं, लैपटॉप भी फाइनेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कस्टमर TV परचेज करने आता है तो उनको 21 साल से लेकर 60 साल तक हम फाइनेंस करते हैं, बट मोबाइल इंडस्ट्री में मोबाइल परचेज करने आते हैं, वो मोबाइल प्रोडक्ट फाइनेंस कर रहे हैं, तो उनको 23 साल से 60 साल तक हम फाइनेंस कर सकते हैं। इनका कहना है अगर आप कोई अप्लायंसेस वगैरह परचेज करेगा, TV वगैरह, तो आपको मिनिमम एज 21 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए और फ़ोन के लिए आपको 23 ईयर्स, मतलब 23 साल वाले को फाइनेंस करेंगे। और मिनिमल पेपर वर्क है आपको, जैसे पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और आपको पास, जैसे सर बताए थे, अगर आपके पास आपको ATM कार्ड है तो आपको ई मैंडेट कर देंगे जिससे आपका अकाउंट से पैसा सीधा डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये आपको ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, आपको तो अच्छे से कम प्रोसेस के साथ आपको एक फ़ोन दिया जाएगा, एक EMI कार्ड दिया जाएगा। और क्या क्या बेनिफिट मिला वो सारी चीज़ें आपको वीडियो देखने के बाद पता चल ही गया होगा, जो बजाज फाइनेंस से क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बजाज EMI कार्ड बनाने का जो भी प्रोसेस था हमने आपको बताया इस वीडियो में, और बजाज की तरफ से आपको एक QR कोड मिलता है, अगर आप इसको स्कैन करिएगा तो आपको ये पता चलेगा जो आपको अप्रूवल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और एक ब्रांड में आपको एक स्कीम मिलता है बजाज की तरफ से, आपको बताया जैसे सर जो हर ब्रांड की तरफ से आपको एक ऑफर दिया जाता है, तो नोकिया की तरफ से आपको ये ऑफर मिलता है। इसमें आपको ना ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब 0% इंटरेस्ट है, 0% आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा और 0% प्रोसेसिंग फी है। और ये आपको बजट फोन है, आपको 13,000-14,000 में आपको मिलेगा। तो आप श्री कमल मोबाइल एंड मोड पे आप आके इसको परचेज कर सकते हैं, ना ही आपको इंटरेस्ट लगेगा, ना ही डाउन पेमेंट देना होगा, ना ही कोई प्रोसेसिंग फी लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।